क्या नाम हो रही है आपका? माय नेम इज़ जैनब खान। कौन सी जगह से हो आप? आई एम फ्रॉम लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश? जी। इतनी दूर से आए हो? जी। किस लिए? राइटिंग सीखने के लिए। कहाँ पता, कैसे पता चला आपको सुभाष सर के बारे में? सर के वीडियोस देखे थे। अच्छा, वीडियो देख के यूपी से आए? जी। कैसा फील हो रहा अभी आपको हरियाणा में आकर सुभाष सर से मिलके? बहुत अच्छा फील हो रहा है। पहले राइटिंग कैसी थी आपकी? ठीक थी। अभी जो आप लिख रहे हो इससे कितना खुश हो आप? बहुत ज़्यादा खुश। कौन सी क्लास में हो? सेवन्थ में। मम्मी भी आई है सर साथ? जी, मैं डॉक्टर शहनाज खान हूँ, लखनऊ से आई हूँ यूपी से। पिछले एक साल से सर से मैंने वीडियोस देखे थे इनके यूट्यूब पे और मेरी बात हो रही थी, तो मैं सर से हमेशा रिक्वेस्ट कर रही थी कि सर आप जब भी कैंप करें तो मुझे ज़रूर बुलाएं। माय प्लेजर कि उन्होंने मुझे बुलाया और मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ कि मेरी बेटी की हैंडराइटिंग बहुत इम्प्रूव हुई है और इतनी अच्छी हैंडराइटिंग के बहुत बेनिफिट्स होते हैं और मैं बहुत ग्रेटफुल थैंकफुल हूँ कि सर ने मुझे इनवाइट किया और मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं ख़ुद म्यूज़िक यूनिवर्सिटी में एक टीचर हूँ तो मुझे मालूम है कि अच्छी हैंडराइटिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसका क्या फ़ायदा होगा आगे जाके। तो मैम इतनी दूर से आप एक विश्वास करके आए? विश्वास करके आया और जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अच्छा मुझे फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मैं मतलब मुझे ये लग रहा है कि मैं यहाँ थोड़े दिन और रुकती तो और भी बहुत कुछ हो सकता था। अच्छा, और यहाँ पे लोगों को बहुत बड़ी चीज़ अहमियत इनकी महसूस होनी चाहिए कि क्या चीज़ है ये। मैं तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ यहाँ पे आके। शायद इनसे पहले तो आपने नहीं देखा होगा कोई जो इस तरीके का काम करवा? नहीं, इतनी अच्छी नहीं। देश की सेवा करके, बच्चों की सेवा करके, कितने? नहीं, बिल्कुल। और वो इतना सुबह से उठ के इतनी देर तक खड़े रहते हैं, घंटों ना कुछ खाना ना पीना, बहुत डिवोटी हैं सर, बहुत डिवोटी हैं वो। और मैम एक चीज़ और है सर के बारे में, थोड़ा आपको बताऊँ, जब आप इतनी दूर से आए हो, जब भी ये ड्यूटी पे देंगे पेट में गोली लगी थी, अभी भी वो गोली अंदर ही है, ये दर्द को महसूस करते हैं लेकिन बच्चों को महसूस नहीं होने देते, जब बोलते हैं ना सिखाते हैं ऐसे पेट पे हाथ लगा ले, अभी भी वो गोली इनके अंदर है। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ी बात है। और जज्बा देखो एक फौजी का। सही बात है। नहीं, बहुत अच्छे हैं सर, बहुत मेहनती है, मतलब सुबह से उठ के 5-6 घंटे की क्लास लगातार लेना और उस क्लास को करना बहुत बड़ी बात है और मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि सर आगे आप जहाँ भी कैंप कहीं भी करेंगे पूरे इंडिया में, मैं दोबारा फिर आऊँगी अपनी बेटी को लेके। अच्छा जी, तो आप यूपी में ही बुला दो सर को? हाँ, मैंने बात की है सर से, शायद अच्छा। सर एक बार यूपी आएंगे ही। जी, क्या नाम बोलिए आपका? वर्षा। गांव कौन सा है? टाटरत। स्कूल का नाम क्या है? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टाटरत। कौन सी क्लास में हो आप? 12th। कितने टाइम से कर रहे हो आप ये राइटिंग? 2 ही दिन हुए मेरे। दो दिन में इतनी अच्छी लिखाई हो? हाँ। कैसा फील हो रहा? बहुत अच्छा। क्या नाम बोलिए आपका? सरयू। क्या नाम है? सरयू। गांव? अलेवा। जिला कौन सा आपका? जींद। स्कूल कौन सा आपका? गर्ल्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलेवा। किसने सिखाया आपको ये? सिवात सर ने। क्या नाम भाई? अनुज। अनुज कौन सी क्लास में हो? 11th। कौन सा स्कूल आपका? गवर्नमेंट हाई स्कूल हमीरगढ़। क्या फ़ायदा है राइटिंग का जो आप लिख रहे हो? सर इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। अच्छा। अगले बंदे पर जब हमारी कॉपी चेक करेगा तो उसे हमारी फेस थोड़ी दिखेगा, उसे हमारी राइटिंग से देख के पता चलेगा कैसा बच्चा होगा।
और अलग है क्या, और कुछ अलग फायदे होते हैं? सीखना यार, वो बेटी भी सीखने नहीं, वहाँ पे तब सो कर सकते।